गिनती करते वक्त होने वाली बच्चों की आम गलतियाँ। तरतीब से गिनती का ना आना, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, ये क्यों होता है? क्योंकि वो अभी छोटे हैं, हम इनको कुछ नया सिखा रहे हैं। हमको बचपन से इन आदत को सीखकर अब अच्छी तरह आता है, लेकिन उसी रफ्तार के साथ बच्चे भी सीखें ऐसी तवक्को रखना गलत है ना। उनको अच्छा खासा मौका देना चाहिए, बहुत सारे गीत सुनने का मौका देना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता वो गीतों के जरिए मश्क करते हुए सीखेंगे और वो अपनी गलतियों को भी सुधारेंगे। दोबारा गीत सुनाकर आहिस्ता आहिस्ता 1 से 9 तक वो आसानी से गिनती बोल सकेंगे। इस तरह से वो आसानी से गिनती बोल सकेंगे और उनकी हौसला अफजाई होगी। इस तरह से 1 से 5 तक की गिनती करना आसान हो जाएगा। इस तरह से 1 से 5 तक सिखाकर आहिस्ता आहिस्ता 6-7 भी सिखाएं। इस तरह से दर्जा बदर्जा सिखाते जाएं। हो सकता है एक गलती और वो करें। मैं ये दिखाती हूँ कि ठीक कर रहे हैं या गलत। अब मैं इसकी गिनती कर रही हूँ। यहाँ पर कुल कितने मुरब्बा शुमारे हैं? गिनती कर रही हूँ, आप बगौर देखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बच्चे ऐसा करते हैं। इनके मुताबिक ये 6 मुरब्बा शुमारों का गिरोह है। यहाँ क्या हुआ, उन्होंने जो जबान से तरतीब से गिनती बताई, इसको और इनके हाथों की हरकत में कोई ताल्लुक नहीं है। यानी जब मैं 1 कहूं तो इनको 1 ही शुमारा हटाना चाहिए, सिर्फ 1। और जब मैं अगला नंबर कहूं यानी 2 कहूं, उस वक्त 2 को लाएं। मैं 3 कहने तक वो कुछ भी न करें। जब मैं 3 कहूं तो ही 1 और को लाएं। यानी 1-1 करके जबानी एदाद के साथ ही वो जबानी गिनती करें। ये आम गलती है जो बहुत सारे बच्चे बड़ी मासूमियत के साथ करते हैं। हम सब ने ये देखा है, इसलिए बहुत इत्मीनान के साथ उनको सिखाना पड़ता है। एक और बार हम आहिस्ता से करेंगे। 1, 2, मेरे बोलने तक नहीं छूना है। 3, 4, रुको, आहिस्ता से, मैं दोबारा बोलूंगी। 5, इस तरह से बोलेंगे तो इनको मालूम होगा। टीचर कहेंगे कि अब हमें मुरब्बा शुमारी की तरफ आगे बढ़ना है। इसको अशिया TLM के जरिए करेंगे तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं। यहाँ एक और गलती करते हैं, इसको मैं यहाँ बताऊंगी। हम यहाँ पर कुछ मकब लेंगे। अब मैं बच्चों को इसकी गिनती करने के लिए कहूंगी। आप सबको गिनती आती है ना, एदाद को 1 से 9 तक बोलते हो ना, तो चलो इसको गिन लो। बच्चे क्या करते हैं देखो, यहाँ पर बच्चे इस तरह से गिनती करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ कितने हैं? 8 हैं मिस। क्या वहाँ 8 हैं? नहीं, सही। बच्चे ने क्या किया, एक तरफ से आगाज किया पर कहाँ रुकना है नहीं मालूम। आगाज कहाँ हुआ, खत्म कहाँ नहीं मालूम। उसे नहीं मालूम कि आगाज कहाँ से करना है और कहाँ खत्म करना है। इसको अगर आगाज यहाँ से करता है तो दोबारा वहाँ पर ही उसे खत्म करना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कोई तरतीब नहीं है, तरतीब से इसने गिनती नहीं की। बच्चे आमतौर पर इस तरह की गलतियाँ करते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जब तक बच्चे अच्छी तरह सीख न लें, इस वक्त तक चीजों को हम खुद तरतीब दें और कहें कि यहाँ से आगाज करो और यहाँ खत्म करो, जैसे भी रखें तुम इसको जोड़ लो। उनको इस तरह से जोड़कर सीखने के लिए कहें, इस तरह से वो अच्छी तरह से समझ लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 है। रोजमर्रा की जिंदगी में अगर इसकी मश्क नहीं होगी तो वो नहीं बता पाएंगे। हमें कुछ चीजें या चॉकलेट देंगे तो अगर हम इसको तरतीब से जोड़ेंगे तभी हम गिनती कर सकते हैं।
ये सही नहीं है। बच्चे में जब कॉन्फिडेंस एक बार आ जाए, हिम्मत आ जाए, तो बच्चे को बताना चाहिए कि यहाँ से अगर तुम शुरू कर रहे हो तो इसको अपने जहन में रख लो। यहाँ से आगाज किया है, इसके बाद किन किन को छुआ है, इसको दोबारा नहीं छूना है। इसको छुआ है ना, 1, 2, 3, 4, 5, नहीं नहीं, इसको तो तुमने पहले ही छू लिया है। ये कुल 5 हुए, हमारे पास 5 मुकब हैं। इस तरह इनकी छोटी मोटी गलतियों को बगौर मुशाहिदा करके इसकी इस्लाह करें तो बच्चों को रियाजी सीखने में बहुत मददगार साबित होगा। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे। हमने बच्चों को गिनती और आदात को तरतीब से बोलना सिखाया है, ये पहला मरहला है। छोटे बच्चों के लिए रियाजी सीखने का ये पहला मरहला है, इसलिए ये इन्हें अच्छी तरह से सीखना चाहिए। इसलिए इस मजमून को पढ़ाते वक्त बहुत सारा वक्त इसके लिए दें और इस बात का ख्याल रखें कि बच्चे दिलचस्पी के साथ गीतों के जरिए आदात को अच्छी तरह सीख लें। इसके लिए आपको और बच्चों को नेक तमन्नाएं।